विश्व पर्यावरण दिवस एक ऐसा अवसर है जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता और क्रियाशीलता के लिए देश भर के लाखों लोगों को एकजुट करता है। और इस वर्ष पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मिशन लाइफ पर जोर दिया है और इसके अनुसार ही विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने पर जोर दिया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। पर्यावरण के प्रति जागरूकता जरूरी, देश के लोगों का समागम है जरूरी, मिशन लाइफ पर दिया जा रहा है जोर, हम अपनी जीवन शैली में करें बदलाव, एक पौधा लगाएं मिलेंगी हजार सांसें। ২০২১ में यूनिसेफ कॉप 26 का आयोजन ग्लासगो में हुआ। वैश्विक नेताओं के शिखर सम्मेलन में मिशन लाइफ यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली के कॉन्सेप्ट को पेश किया गया। तब स्थायी जीवन शैली और प्रथाओं को अपनाने के लिए एक वैश्विक प्रयास को फिर से शुरू करने का आह्वान किया गया। समारोह के उपलक्ष्य में मिशन लाइफ पर देश भर में जन कार्यक्रम का आयोजन करने पर जोर दिया गया। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी जीवन शैली में बदलाव करें। इस तरह की हमारी तमाम कोशिशों से ही बदलते पर्यावरण और उसके प्रभावों को रोका जा सकता है। हमारी छोटी छोटी कोशिशों से ही पर्यावरण बचेगा। इस कड़ी में हमें पानी की हर एक बूंद को बचाना है। कहा जाता है कि हमारी आदत बदलेगी तो पर्यावरण में सुधार होगा। हमारी जीवन शैली में घटती हरियाली, बढ़ता प्रदूषण और दूषित जल स्थल की खास भूमिका है। जलवायु परिवर्तन में मानवीय कारक को कोई नकार नहीं सकता। इसे हानि पहुंचाने में हमारी आदतें भी जिम्मेदार हैं। इन्हें सुधार लेंगे तो शायद हम पर्यावरण के हित में काम करने का सुकून पा सकते हैं। इस कड़ी में कई तरह के बदलाव पर्यावरण में सुधार कर सकते हैं। हमने पैदल चलना लगभग बंद कर दिया है। यदि पास जाना है तो हम दो या चार पहिया वाहन से जाते हैं। जितना हम गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं उतना ही वायु प्रदूषण बढ़ता है। इसके साथ ही कीमती ईंधन भी बर्बाद होता है। लिहाजा यदि पास ही जाना है तो पैदल जाने की कोशिश करें। इससे पर्यावरण को फायदा मिलेगा और सेहत भी सही रहेगी। साइकिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे प्रदूषण में गिरावट होती है। हर साल जितना अनाज पैदा होता है उसका एक तिहाई बर्बाद हो जाता है। खाने की बर्बादी भी जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। ऐसे में खाना उतना ही बनाएं कि बचे नहीं और ना ही व्यर्थ जाए। भोजन आवश्यकता अनुसार ही ऑर्डर करें ताकि बचा भोजन फेंकना ना पड़े। जीवन में प्लास्टिक का उपयोग कम करें। प्लास्टिक और पन्नियां हवा के साथ साथ पानी को भी प्रदूषित करती है। सभी को कपड़े का बैग इस्तेमाल करना होगा। फैशन के दौर में वस्तुओं को फिर से उपयोग करने पर ध्यान दें। मिशन लाइफ की सफलता हम सभी की भागीदारी में है। हम सभी जितना पर्यावरण में सहयोग करेंगे उतना ही क्लाइमेट सही रहेगा। नहीं तो गर्मी में बारिश और ठंड में बारिश जैसा मौसम के बदलाव देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।